नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं सिमरा में और गोड्डा जिले के अंदर ECL के अंदर जो है ये पूरा जो फील्ड है ECL के अंदर ही आता है। हाँ, ECL के अंदर आता है। तो यहाँ पर एक बड़े टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है 2 अक्टूबर को लेकर। ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में। मैं कहूँगा कि एक बार जूम करके जरा दिखा दीजिए, दर्शक दूर दराज गाँव देहात गली मोहल्ले हर जगह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और फुटबॉल का टूर्नामेंट चल रहा है। कुछ लोकल लोग हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में ये किस तरीके का टूर्नामेंट यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। आज 2 अक्टूबर भी है, गांधी जयंती के अवसर पर सिमरा में एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा मुजाहिद नाम है। मुजाहिद जी, ये जो मैच चल रहा है यहाँ पर, ये कब से चल रहा है? आज से। कितने बजे शुरू हुआ? 8 बजे। 8 बजे कहाँ से आए आप? हम ललमटिया से आए हैं। ललमटिया से। तो ये मैच जो है यहाँ पे कितनी टीमें, बाहर बाहर की भी टीमें हैं या फिर झारखंड की टीमें? झारखंड की है, बिहार के है, बंगाल के भी है। लगभग कितनी टीम आती है और हर साल आती है क्या? हाँ, हर साल आती है। पिछले साल आई थी क्या? पिछले साल नहीं आई थी। तो पिछले साल कोरोना के कारण नहीं आई थी, लेकिन इस बार ये लोग बता रहे हैं कि टीम। अच्छा, ये जो मैच होता है किस तरह का मैच यहाँ पे होता है? यहाँ मैच होता है जैसे 2 ग्रुप का रहता है, ए और बी, 16 टीम का, 8 टीम करके रहता है। उसी तरह के खेल होता है। समिति कराती है। हाँ, तो जीतने वालों के लिए कुछ बड़ा घोषणा भी होता है? घोषणा भी होता है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ आसपास का इलाका जो है, अब चूंकि ECL ने कितना आप लोगों का जीवन कुछ बेहतर हुआ है? ECL खदान भी है आसपास तो? हाँ, बेहतर क्या हुआ है, पहले जैसे था वैसे ही है। कोई सुविधा नहीं मिल पाता है? काफ़ी सुविधा कहाँ मिल रहा है, कोई बिजली मिलता है, पानी बिजली मिलता है। और क्या और कुछ आप लोग की डिमांड रहती है यहाँ? नहीं, डिमांड क्या रहेगा, डिमांड रहने से भी जैसे बाहर से आता है कंपनी आता है, ऐसे लोकल को तो नहीं लेना चाहता है। कितने दिन ये चलेगा टूर्नामेंट? दो दिन। अब इनसे पूछते हैं, यहीं रहिएगा आप। क्या नाम हुआ आपका? रसिक। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं यहाँ? हम तो यहाँ से आए हैं। अरे, यहाँ कहाँ? बगले में घर है आपका। अच्छा, ये बताइए कि हर साल आते हैं यहाँ पे टूर्नामेंट देखने? हर साल नहीं, काम पड़ जाता है तो कैसे आएगा। काम रहता है नहीं आते हैं। अबरी चले हैं फुर्सत में, ये देखिए इनसे पूछते हैं, लोकल है यहाँ के। आइए इधर आइए जरा। क्या नाम हुआ आपका? बबलू टोटो। बबलू जी हैं और ये बताएंगे। बबलू जी, ये बताइए कि जो आयोजन हो रहा है, हर साल इसी तरीके का आयोजन होता है? जी हाँ, हर एक साल होता है। ये गांधी जी के जयंती के अवसर पर हर एक साल खेला जाता है। 2 अक्टूबर। जी हाँ। ये फील्ड किसके अंडर में है? ECL के अंदर में है। हाँ, ECL के अंदर में। ये टूर्नामेंट कौन करवाते हैं यहाँ के? स्थानीय समिति लोग कराते हैं लोग? जी हाँ जी हाँ। कहाँ कहाँ से टीमें आती हैं? ये तो पूरा मैंने झारखंड, बिहार, बंगाल, चारों तरह का टीम आते हैं यहाँ पर। हर साल आते हैं? जी हाँ। तो देख रहे हैं, आइए जरा आगे दिखाइए। बहुत दूर दराज से लोग, दर्शक लोग आए हुए। देखिए, ये लड़का भी आया हुआ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोबिन मुर्मू है। रोबिन मुर्मू जी, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा सोनबरसा है, बड़वा पंचायत पड़ता, ब्लॉक पत्थरगमा। हाँ, ये जो टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है ये हर साल यहाँ पे इस तरह का? हर साल होता है। खेल प्रेमी बहुत दूर दराज से, लगभग कितनी भीड़ होगी यहाँ पे? बहुत भीड़ हो रहा है, 10,000 के आसपास है कि लोग? ज़्यादा होगा, 10,000 के आसपास लोग हैं। अच्छा, ये जो टूर्नामेंट जहाँ हो रहा है, मतलब साल में एक ही बार होता है या और भी? साल में एक ही बार होता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। चलिए देखिए, इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? नहीं बताइएगा, बताइए भैया जी आप। हरिदास। क्या नाम हुआ? हरिदास सर। इधर घूम जाइए, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। जरा जानकारी दीजिए, यहाँ जो मैच अभी आयोजित हो रहा है, आप लोग आए हैं कहाँ से? आए हैं आप? बुआरी जोर से। जी। तो आपके बगल में बरहेट है और बरहेट से ही विधायक आपके मुख्यमंत्री जी हैं। कुछ काम वाम उधर सरकार जो है बढ़ाई है पहले से मुकाबले? अभी नहीं, अभी कहाँ काम बढ़ाया है, बस उसी तरह का चल रहा है। ये जो मैच देखने आप लोग आए हैं, तो मतलब ये हर साल आते हैं आप लोग? हर साल आते हैं। देखिए, अब जरा एक बेहद ही दिलचस्प, दर्शक को दिखाइए इनको, देखिए ये पेड़ पे चढ़ गए हैं। अब ये पेड़ जो है कभी भी गिर सकता है। क्या नाम हुआ आपका?
मोहम्मद शाहजान अंसारी। पेड़ पे चढ़ गई, गिरने लायक नहीं है क्या ये? नहीं गिरेगा। दिख रहा है वहाँ से? है कहाँ घर हुआ आपका? गोराडी। गोराडी से आए हुए हैं, बहुत खेल प्रेमी हैं। देखिए यहाँ इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? कुछ तो नाम होगा आपका, नहीं बताएंगे। इनसे पूछते हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? जोनाथन मरांडी। जोनाथन मरांडी जी, आज जो यहाँ पर मैच हो चल रहा है स्टेडियम में, सबसे पहले तो ये यहाँ के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। सिमरा ये ECL का ही ग्राउंड है क्या? नहीं नहीं, ये प्रॉपर है सिमड़े गाँव। आप लोग लोकल, आप लोग यहाँ के लोकल हुए? हम लोग लोकल हुए। तो हर साल आयोजन होता है यहाँ? प्रत्येक साल। प्रत्येक साल क्या खास बात होती है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत दूर दराज से लोग यहाँ देखने आए हैं, कुछ लोग बारिश में भींगते हुए आए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम लोग हर साल आते हैं, इंतजार रहता है लोगों को, क्या स्पेशल यहाँ पर है? स्पेशल तो कुछ नहीं है, लेकिन खास करके 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर खेला जाता है। गांधी जयंती, आज गांधी जयंती भी है, कुछ संदेश देंगे? गांधी जी को कितना जो है किताबों में तो लोग पढ़ते हैं, आज के समय में आपको लगता है कि रियल लाइफ में गांधी जी जैसे बोलते थे कि भाई सत्य पे चलो, अहिंसा का रास्ता अपनाओ, आपको लगता है कि लोग जो है फॉलो करते हैं? नहीं, अभी तो कोई फॉलो नहीं करते हैं। मोटा मोटी फॉलो भी करते होंगे तो कुछ 25% नहीं फॉलो करते। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे आसपास जो है, आगे आप देखेंगे दूसरी साइड जो है ये कोल फील्ड का इलाका जो है, यहाँ पर ECL जो है कुछ आप लोग को सुविधा दे रहा है? क्या क्या देता है यहाँ पे? देते हैं कुछ ग्राउंड के लिए, कुछ कोई बोल रहे थे बिजली पानी जो है फ्री कर दिए हैं। बिजली पानी कुछ फ्री किया है, कुछ नहीं, जैसे लोकल के लिए। हाँ, लोकल के लिए, लोकल के लिए। और अभी झारखंड सरकार किस तरह का काम कर रही है, आप लोगों क्या आप लोगों को सुनने में मिलता है? झारखंड सरकार अभी तो कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग को तो उतना मालूम नहीं है। नहीं चलता है नहीं। तो कोई आता होगा नेता होता, कुछ आते होंगे तो बताते होंगे कुछ, जैसे वोट के समय लोग आते थे, अब नहीं आते हैं? हम लोग थोड़ा इंगेजमेंट आदमी है, उस समय अच्छा। ज्यादातर रहते नहीं, मतलब न्यूज के चक्कर में नहीं रहते हैं, लेकिन ऑल टाइम पब्लिक इंडिया देखा कीजिए, हम सही न्यूज दिखाते हैं। ठीक है, इनसे पूछें, क्या नाम हुआ सर? उत्तम कुमार। उत्तम कुमार से माइक ले। उत्तम कुमार, बड़ा बढ़िया जो है आप अपना व्यवस्था चुने हैं, यहाँ से देखने में भी आपको आसानी होता होगा। हाँ, आसानी तो है उधर। कहाँ से आए हैं आप? करुआ से। करुआ कहाँ पड़ता है? ललमटिया का उधर। तो यानी कि लोकल है यहाँ के, हर साल ये टूर्नामेंट उसी तरीके से होता है? होता तो है, हम तो इन्हीं साल आए हैं, अब की बार आए हैं, शायद पिछले बार जो है टूर्नामेंट का आयोजन। देखिए आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की भीड़ है चारों तरफ, और देखिए एक आधार कार्ड गिरा हुआ है। ये आधार कार्ड भैया किसका है? ये सुशील किस्कू, कोई है तो भैया आधार कार्ड ले लो मेरे से, सुशील किस्कू, ये आधार कार्ड हमें मिल गया भाई, ये आधार कार्ड जो है सुशील किस्कू, यहाँ पे नीचे पड़ा हुआ था, समिति के पास हम दे देंगे। इनसे पूछते हैं, ये घर कहाँ है? ये घर देखिए ना, बसडीहा लिखा हुआ है, लौंडिया बाजार। पहचान? लोकल आदमी है आप, यहाँ के हैं क्या? हम तो बुढ़ाई के हैं। बुढ़ाई के हैं, तो ये अब कैसे इनको अब वहाँ पहुँचाना पड़ेगा, इसको समिति के पास? ये उपाय क्या है, पहुँचा दीजिए तो। अच्छा ठीक है, आप ये बताइए, इस तरह का टूर्नामेंट जो है हर साल यहाँ पे होता है? हाँ, हर साल ही होता है, हर साल होता है। ECL के आसपास के इलाकों में जो है क्या फैसिलिटी अभी मिल रही है, लोग लगातार जो सुविधा खोजते हैं, सड़क रोड पानी ये सब किस तरह का मिल रहा है यहाँ? देखिए उसमें तो प्रॉब्लम होता है, नहीं मिल पा रहा है उतना, बहुत मुश्किल है। देखिए हम लोग भी विस्थापन वाला आदमी है, कोई फैसिलिटी नहीं दिया अभी। तो आंदोलन भी आप लोग करते हैं बीच बीच में? ये आंदोलन क्या करेंगे, आंदोलन करते हैं तो हम लोग बैठा देता है, ये करता है। क्या परेशानी होती है, क्योंकि हम चूंकि आए हैं तो थोड़ा सामाजिक चीज़ों को भी, हम उन पहलुओं को भी जागा, इधर घूम जाइए ना इधर थोड़ा। हाँ, क्या कुछ क्या परेशानी है आप लोग को? परेशानी क्या, परेशान तो वही है, विस्थापित तो कर दिया है, लेकिन तो आप लोग बढ़िया से जमीन जो है कहीं दिया गया होगा ना? जमीन तो दिया है। पैसा पैसा वैसा कुछ मिला? हाँ, पैसा तो जो नियम है उस आधार से तो मिला है। कितना जमीन आपको था पहले? पहले तो हमारा टोटल 21 बीघा कुछ था। 21 बीघा? हाँ। और ये ऑल टाइम पब्लिक इंडिया चैनल देखते हैं, हमको पहचानते हैं, कभी देखे हैं? मोबाइल में देखे हैं। मोबाइल में देखे हैं, चलिए।
अच्छा एक सवाल और मुझे बताइएगा, क्योंकि आज यहाँ पे आए हुए हैं, सामाजिक पहलुओं को भी हम लगातार ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ आइए बोलिए, इधर ही आइए, इधर ही इसको, इनको पहचानते हैं सुशील किस्कू को, इनका आधार कार्ड मिल गया है देखिए, तो लौंडिया बाजार, इनको बोलने दीजिए ना, ये हम लोग। हाँ आइए आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा लखन लोहरा नाम है। हाँ, लखन लोहार। बताइए क्या समस्या आपको है यहाँ पे, पहले टूर्नामेंट के बारे में बताइए। हर साल ये आयोजन होता है? ये हर साल होता है। खेल प्रेमी बहुत दूर दराज से आए, दूर दराज से आते हैं, यानी जिला लेवल का होता है। अब बताइए आपकी, आपको क्या समस्या है, विस्थापन को लेकर कुछ कहेंगे? विस्थापन को लेकर मेरा 60 प्लॉट बाकी है, बड़ा बड़ा लोहा टोला गांव से। हम लोग को 2008 में शिफ्ट किया था जनवरी माह में, क्योंकि मैं उस कमेटी का आदमी हूँ उस गांव का, मैं विस्थापित किया था। हम लोग को प्रबंधक की ओर से बोला गया था कि आप लोग इस गांव से शिफ्ट कीजिए, 24 घंटा में हम लोग पूरा गांव खाली करवा दिए थे और ललमटिया कॉलोनी में शिफ्ट करवाए। मैं उस समय प्रबंधक लहरी साहब थे, यानी मुख्य महाप्रबंधक, उन्होंने कहा कि आप लोग शिफ्ट हो जाइए, हमारा मांस बंद होने वाला है, तो आप लोग कॉलोनी में शिफ्ट कर जाइए, आप लोग को सारा सुविधा देंगे। लेकिन हम लोग तो कॉलोनी में आ गए, 24 घंटा के भीतर पूरे गांव वाला को खाली करवा दिए, लेकिन अभी तक अभी हम लोग को मूलभूत सुविधा नहीं मिला है और 60 आदमी का प्लॉट भी नहीं मिला है। चलिए सब क्या बोलना चाहते हो? बोल रहे थे सर कि रोजगार को लेकर कुछ बोल रहे हैं। जी सर, हम लोग का कॉलोनी भी नहीं मिला है, हम लोग 4 भाई हैं, अब भी विस्थापित ही हैं। जी सर, हाँ ये जानता है हमको, बगल के हैं, ये जानता है, हम भी बड़ा भड़ा का है लालमटिया का। तो देखिए तो हम लोग कॉलोनी हमको सबको मिला, लेकिन हम लोग 4 भाई हैं, कोठो कॉलोनी नहीं मिला है और सब पैसा खा लिया है। तो देखिए स्टेडियम को हम दिखा रहे थे, लगातार मैच का आयोजन यहाँ पर चल रहा है, थोड़ा सा एक बार हल्का हल्का हटिएगा तो दिखा दें, उधर आप ही लोग का काम कर रहे हैं, देखिए सीधी तस्वीरों में ये दिखा सकते हैं, यहाँ पर स्टेडियम के अंदर मैच का आयोजन हो रहा है, सिमरा में इस वक्त हम हैं, सिद्धू कान्हू स्टेडियम जो है सिमरा का, बहुत ही अच्छा मैच यहाँ पर चल रहा है फुटबॉल का, लेकिन कुछ समस्याएं जो उठी उसको भी मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। फिलहाल के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे इजाज़त, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।